हर रोज सुबह सुबह उठ के शायद हर एक गृहिणी को यही सोच होता है कि आज क्या बनाऊँ। तो मेरा भी आज सेम था। सो मैंने दाल थोड़ा सा चावल उसमें डाल के मसूर का और तुअर दाल था तो दोनों मिक्स करके पेस्ट बनाया। पकौड़ी बनाऊंगी और इसका करी करी बनाऊंगी। क्या बनाए डेली डेली नया नया सब्जी। और वैसे भी हस्बैंड घर पे है लंच पे तो कुछ तो बनाना है। तो मैंने सोचा दाल के पकौड़ियों को और करी बनाऊंगी और थोड़ा सा पालक था थोड़ा सा बिल्कुल भी, तो उसका थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा दाल का था उसके साथ मिक्स करके अलग से पकौड़ी बनाई। बहुत क्रिस्पी और टेस्टी था। मैंने आलू टमेटो के साथ थोड़ा सा पतला करके बनाई हूँ, पतला नहीं भी उबाला, क्योंकि पकौड़े भी ना मतलब ग्रेवी खींचते हैं तो इसलिए थोड़ा सा पतला करके अभी दिए हूँ। देख सकते हो कैसा था और कैसा बन गया था। और इधर हस्बैंड से आज मैं थोड़ा सा साफ सफाई करवाई, फिर खाना बना खा के हम लोग रेडी होके निकले हैं। माँ बेटी हमने आज ट्रेनिंग किया, एक ही टाइप एक ही कलर के ड्रेस पहना। हर्षिता को लगा कि उसको क्या हेलमेट के पीछे पड़ा है, फिर हमने बोला कि गाड़ी में जा रहे तो हेलमेट तो रख के आ गया। देखो भाई रेडी होने के लिए टाइम नहीं मिला है, बहुत ने मुझे बोला है कि मैं जिसको जिसको बोली थी कि पार्टी में जाने के लिए क्या क्या रेडी हुए हो बताएगा। दुर्गा पूजा में जो प्लाजो लाई थी वही पहनी नहीं थी। और क्या बोलो तबीयत उस तरह की है नहीं कि ज़्यादा सजो, फिलहाल लेट हो गई हूँ, उधर जाके मिलते हैं, चलो बाय। और इधर एंटर करते ही ये सब खेलने वाला हर्षिता तो कूद पड़े देख के, इतना सारा भीड़ के बीच बार बार वो गिर रहा था। सभी बच्चे यही सब स्टार्टिंग में है और कोई भी बच्चा इन सब से दूर जाना नहीं चाह रहा था। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट गिर रहा था, उसे कोई चोट लगी थी। और इधर देखो इतना सारा भीड़, इधर स्पेस, इधर लाइटिंग बहुत अच्छे से कर रहा था बट कैमरे पर फ्लैश हो रहा था। बीस डालो, पांच जन डालो, बीस डालो, पांच लुट गई भाई दुकान, लुट गई दुकान। विनोद सेटल डाउन करो भाई, मात्र बीस रुपए, मात्र ओ वेलकम आइए, मात्र बीस रुपए, थोड़ा ताकत लगाइए, थोड़ा ताकत लगाइए, जाएगा जाएगा जाएगा। हमारे को एक दाम पापा, ये बीस रुपए, बीस रुपए, बीस रुपए, मात्र बीस रुपए, मात्र बीस रुपए, बीस रुपए लगाइए, बीस रुपए लगाइए, पांच रुपए आप भी निकाल लगाइए। के बाद
खाना वाना खा के हर्षिता को सुलाया है, ब्लॉग इधर नहीं किया और सोचा था सोनू निगम आएंगे, हस्बैंड बोल रहा था, फिर पता चला आज नहीं आएंगे, पता नहीं मेला कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा भी देखते हैं, अगर कोई आएंगे तो दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को, लेकिन आज तो कुछ नहीं, आज से सब पुखर गए थे और सभी दुकानों में इतना ज़्यादा भीड़ था कुछ खाने हर्षिता के साथ, कुछ खाने का मतलब छोड़ दिया, चलो कुछ तो नहीं है, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में एक तो सफोकेशन हो जाता है बच्चे के साथ, बच्चे तंग करने लगता है, वैसे तैसे करके हस्बैंड ने क्या पानी पूरी लाया था, एक प्लेट पानी पूरी तो नहीं खाई मैंने, इमली था तो कुछ दिन थोड़ा सा मुझे अवॉइड करना चाहिए इस तरीके के खाने का, तो नहीं खाए, और चिली चिकन खाए तो चिली ज़्यादा था, हर्षिता तो वॉमिटिंग कर दिया उधर ही थोड़ा सा, तो तभी ऐसे ऐसे करके खाया, थोड़ा सा ना पैक करके लेके आई पर्स में, मैं नहीं खा पाई, क्या करूँ, चिली था ज़्यादा, पानी था बट अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा पेट भर गया था, तो जल्दी जल्दी आके देखते हैं कब आएंगे, कब को क्या होगा नहीं होगा, फिर आज से तो स्टार्टिंग है और सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस, और कल भी है, मैं तो आज कुछ नहीं ख़रीदा था, मुझे शाम को ही पता चला कि आज ही धनतेरस है, लेकिन हम तो उधर गए थे, चलो कल कल भी है, कल देखते हैं, कल मार्केट जाएंगे तो कुछ ना कुछ, और इससे भी इस महीने बहुत दिवाला निकल चुके हैं, प्लस मेरे मेडिसिन में इतना खर्चा हो रहा है तो कुछ ख़रीदने का मन नहीं कर रहा है, पहले सोचा था थोड़ा सा एक इयरिंग ले लेती हूँ गोल्ड का, पहले था सोचा था, या फिर इंडक्शन ले लेती हूँ, मुझे एक इंडक्शन की ज़रूरत है, बट छोड़ो इस महीने मेरा दिवाला निकल चुका है तो ख़रीदने का मन नहीं कर रहा था, कुछ बर्तन नहीं खरीद लेंगे देखते छोटा सा, मन ठीक ना हो तो खरीद के फ़ायदा नहीं है, और आज मैं क्या किया, हर्षिता को दोपहर में खाना खिलाने के लिए मतलब भागी थी, गिर गई थी, गिर जाके ये जो पैर का जो एंगल पॉइंट है मैं दिखा नहीं सकती सर, उसमें इतना दर्द हो रहा है क्या बताओ, और उसमें से ब्लीडिंग और बढ़ गया था, चोट लगी थी, और आज मतलब मेले पे गई थी ना, सभी लोग बोल रहा था कि आपकी आँखें लाल कैसे हो गए, तो इसीलिए मैं सोच रही थी ना, आज मैं रात को ज़्यादा सो नहीं पाई थी, तो दोपहर में भी गुस्सा आ रहा था हर्षिता के ऊपर, तो सो ही नहीं गुस्से के मारे, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सोने की कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी ब्लॉग रेडी करके, तो देखते कल क्या होता है नहीं होता है, चलो मिलते कल, और आज तो मुझे बहुत धोखा ही मिला सोनू निगम कह के, सिर्फ खाने का वो सब दिखाने के लिए ले गया, तो चलो मिलते कल।